तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग फाइनली नेतरहाट पहुंच चुके हैं और मैं और इधर हम लोग का गाड़ी लगा हुआ है और यही गाड़ी लेकर के मैं जाने वाला हूँ। और अभी हम लोग की गाड़ी में तेल वगैरह शॉर्ट हो गया, तो और ये आप देख सकते हैं रास्ता सिंगल हो गया है यहाँ पे आकर के। और देखिए आगे तरफ से बहुत बड़ा सा ट्रक आ रहा है। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग फाइनली अभी नेतरहाट डैम आए हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, मैं संतोष फिर से नए ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। और ये देखिए, आज मैं फिर से ड्यूटी रांची के लिए आया हुआ हूँ और मैं घर से करीब 6:30 बजे निकला था और 7:30 बजे रांची पहुँच चुका हूँ। और हम लोग कहीं स्पेशल प्लेस पर जाने वाले हैं, सो आप लोग बने रहिएगा। और ये देखिए, आप देख सकते हैं मैं इसी फ्लैट पे आया हुआ हूँ और इधर हम लोग का गाड़ी लगा हुआ है और यही गाड़ी लेकर के मैं जाने वाला हूँ। सो देखते हैं कहाँ जाते हैं, आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मैं जब भी गांव में रहता हूँ तो काम वगैरह में फंस जाता हूँ, उसके चलते ब्लॉग डेली तो नहीं ला पाता हूँ, चूँकि मैं कहीं इधर उधर इतना काम में बिजी हो जाता हूँ कि मुझे ब्लॉग शूट करने का समय ही नहीं मिलता है। और आप लोग जानते ही हैं कि मैं वार्ड पार्षद से मैं गांव के लिए काम करता रहता हूँ, इधर उधर ये वो जो भी हो खैर। और मैं जब फोर व्हीलर में ड्यूटी के लिए आता हूँ तभी मैं ब्लॉग ला पाता हूँ आप लोग के लिए। सो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, आप लोग बने रहिएगा इस ब्लॉग पर। हम लोग कहीं टूरिस्ट प्लेस जाने वाले हैं, तो कहाँ जाएंगे और कैसे कैसे जाना होता है आप लोग को पूरा फुल वीडियो इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। सो आप लोग बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग अब रांची से निकल रहे हैं और ये हरमू रोड है और हम लोग के साथ और एक दो ठो गाड़ी यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम लोग फाइनली रांची से निकल चुके थे और हम लोग नेतरहाट पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर बचा हुआ है और हम लोग रास्ते में कहीं नाश्ते के लिए रुके नहीं, सिर्फ चाय वगैरह पिए थे। और अभी हम लोग की गाड़ी में तेल वगैरह शॉर्ट हो गया, तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। और ये देखिए दोस्तों, फाइनली हम लोग हिल स्टेशन चल रहे हैं और आप देख सकते हैं हम लोग चलते चलते एक ऐसी जगह में आ गए कि ये यहाँ पे सिंगल रास्ता हो चुका है और आगे तरफ से देख सकते हैं ट्रक आ रहा है और इधर से कार, जो लाल कार जाकर के बीच में फंसा हुआ है आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग बहुत ही सावधानी से चलें, चूँकि यहाँ पर कब किधर से गाड़ी आ जाएगा और कब किधर से पत्थर टूट करके रोड पे आ जाएगा और ये दुर्घटना का बहुत ही संभावना रहता है। सो आप लोग यहाँ पे आए तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आएँ।
सो चलिए, यहाँ से गाड़ी निकल चुका है, अब हम लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कैसा तीखा मोड़ है, आगे से कुछ भी नज़र नहीं आता है टर्निंग पॉइंट पे। और देखिए बड़ा सा ट्रेलर गाड़ी चल रहा है इसमें। और जब भी आप ऐसे रास्तों में चले, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको गाड़ी से ओवरटेक करना है। देखिए एक भी जगह नहीं है बाहर, नहीं हम पे आज तुम्हारा हाथ से नहीं छीन लेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। छीन लेगा, पकड़ के उतार देगा। और ये देखिए, आप देख सकते हैं गजब भाई गजब, देखिए बंदरों का बसेरा रोड साइड पे। और यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट लोग आते हैं उन लोग का राह देखते रहते हैं यहाँ के बंदर सब। और जब भी उनको कुछ खाने को मिलता है सीधा लपक पड़ते हैं। और यहाँ की हसीन वादियों में आपको बहुत ही शांति और सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आने से मन एकदम बिल्कुल हरा भरा हो जाता है। आप लोग भी यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ पे कहा जाता है कि ये स्वर्ग की रानी नेतरहाट है। यहाँ पे आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। और यहाँ पे बिल्कुल शांत और हरे भरे जंगल झाड़ आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे ऐसे हिल स्टेशन झारखंड में बहुत ही हैं जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, फाइनली हम लोग जंगल पार करके नेतरहाट हिल स्टेशन जो टॉप लेवल पे है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और क्या क्या सीन होता है यहाँ का सारा टूर मैं आपको कराऊंगा। सो बने रहिएगा। आप देख सकते हैं झारखंड का गौरव नेतरहाट में हम लोग आ चुके हैं। प्रकृति की गोद में समाये हुए नेतरहाट खूबसूरत वादियों में मैं आपको लेके चलूँगा। सो बने रहिएगा मेरे वीडियो पर। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग फाइनली अभी नेतरहाट डैम आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे नया साल के उपलक्ष में अभी से ही पिकनिक करने वाले टूरिस्ट लोग आए हुए हैं। चलिए और भी मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ।